उर्वेश यादव के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। सांप के जहर और विदेशी लड़कियों के इस्तेमाल का लगा आरोप। एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद। आरोपी दोस्त हुए गिरफ्तार, एलविश फरार। बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और मशहूर यूट्यूबर एलविश यादव विवादों में आ गए हैं। उनके खिलाफ नोएडा में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो वहीं यूट्यूबर पर जहरीले सांपों की तस्करी करने और गैर कानूनी रूप से रेप पार्टी आयोजित करवाने का आरोप लगा है। इस मामले में एलविश यादव के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज हुआ है। इनके ही एलविश यादव के ही थ्रू कोई संपर्क हुआ था और उसके थ्रू ही एक लड़का राहुल है उससे एलविश का संबंध था और वहाँ पे लोग एलविश से ही उसका राहुल का नंबर मिला, जैसा तहरीर में गौरव गुप्ता ने दिया है। और इस आधार पर हम सभी बिंदुओं की गहनता से जांच कर रहे हैं, जो भी इसमें दोषी होगा। सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल में एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर कार्यरत गौरव गुप्ता ने FIR कराई है। उन्होंने बताया कि यूट्यूबर एलविश यादव नोएडा NCR के फार्म हाउसों में अन्य यूट्यूबर सदस्यों के साथ मिलकर स्नेक वेनम व जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराते हैं। इतना ही नहीं, गैरकानूनी रूप से रोव पार्टियों को आयोजित कराते हैं, जिनमें विदेशी युवतियों को बुलाकर स्नेक वेनम व नशीले पदार्थों का सेवन भी कराया जाता है। सूचना के आधार पर एक मुखबिर ने एलविश यादव से संपर्क किया और एलविश ने राहुल नामक एजेंट का नंबर दिया और उनका नाम लेकर बात करने के लिए कहा है। मुखबिर ने राहुल से संपर्क करके पार्टी आयोजित करने के लिए बुलाया और शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों और पुलिस को दे दी। 2 नवंबर को सेक्टर 51 स्थित सेवरोन बैंक्वेट हॉल में आरोपित प्रतिबंधित सांप लेकर पहुंच गए और उसी दौरान वन विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से आरोपितों को जकड़ लिया। पुलिस ने 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान दिल्ली के राहुल, तीतुनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ के रूप में हुई है। इनके पास से 20 मिलीलीटर स्नेक वेनम, 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दुमही, 1 घोर पछाड़ सांप बरामद हुआ है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संदीप चौधरी का कहना है कि 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एलविश यादव समेत 6 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं एलविश यादव की गिरोह से संलिप्तता की जांच की जा रही है। एलविश यादव काफी प्रसिद्ध यूट्यूबर और इंटरनेट मीडिया पर्सनैलिटी है। उनके यूट्यूब चैनल एलविश यादव के इस समय लगभग 14.5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर है। उनके पास एलविश यादव ब्लॉग्स नाम से एक और यूट्यूब चैनल है, जहां उनके लगभग 7.5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। यादव इंस्टाग्राम पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और उनके इंस्टा पर 16 मिलियन से ज्यादा फैन फॉलोइंग है। आपको बता दें कि एलविश ने अभी हाल ही में बिग बॉस ओटीटी 2 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी। अंत में शो की ट्रॉफी भी अपने नाम की। बिग बॉस के इतिहास में एलविश यादव पहले वाइल्ड कार्ड है जिन्होंने ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं पिछले दिनों एलविश यादव ने कथित तौर पर जबरन वसूली काल मिलने के बाद FIR दर्ज कराई थी। 25 अक्टूबर को गुरुग्राम के सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया था। एलविश ने पुलिस को बताया था कि उन्हें एक अनजान नंबर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग का कॉल आया था। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।